18 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बुधवार को शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। धरना दे रहे शिक्षकों के लिखित मांगों में सरकार की उदासीनता, उपेक्षात्मक रवैये के प्रति तीव्र आक्रोश एवं असंतोष व्यक्त किया गया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री श्याम नारायण सिंह ने बताया कि सरकार लगातार शिक्षकों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री श्याम नारायण सिंह तथा जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिग्विजय नाथ पांडे ने कहा, हमारे नेता स्वर्गीय मोहन प्रकाश शर्मा जी का संगठन है, हमारे पास समाजवादी पार्टी के है, हमारे नेता विधान परिषद में एक शिक्षक से काम कराया है, और शिक्षक दल के नेता हमारे माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी जी है, और उनके कदम पूरे कदम मिलाकर के साथ कहना चाहता हूँ कि सिटीजन चार्टर जो आपने सीडी के पास लगाया था उसका सरल पालन करा दीजिए। उस कार्यालय में पीड़ा बहुत है, आप बहुत अच्छे आदमी है, मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सामने प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन जो लोगों को आपत्ति लगा करके घोषित कर दिया गया है, कौन सी आपत्ति है, दस साल से लेकर पा रहे हैं, सारी चीजें आपके कार्यालय में उपलब्ध है, लेकिन फसल फसाने की चीजें 2 अगस्त 2021 के द्वारा दिया गया निर्देश है। हम लोग पूरा उसका पालन करवाते हैं। आपकी जो मांगे हैं राज्य स्तरीय, मैं सुन रहा था उसमें 18 बिंदु आपने बोले थे, बताएंगे ना 18 बिंदु से मैंने सब सुने हैं, वो सब शासन से संबंधित हैं, और वास्तव में ये नीतिगत मामला है, इसको शासन को हम रेफर कर देंगे, क्योंकि ये हमको तो जो निर्देश प्राप्त होंगे शासन के, उसका मैं पालन करता हूँ। आपके बाद जरूर मैं आज ही आज आपने विधायक महोदय को अवगत करा दूंगा, ये सब ये है और अधिनियम के अंतर्गत इसको विचार किया जाए। अगली बात आती है कि जिला स्तर की समस्याएं, जिला स्तर की समस्या में आपने 5 बिंदु बताए हमको, 5 चयन वेतन मान का निराकरण ठीक कराया जाए, जिस संस्थाओं में प्रबंधक प्रधान द्वारा संबंधित की पत्रावली जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय सूचित नहीं की जा रहे हैं, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। हमारे माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में व्यवस्था है कि अगर प्रबंध समिति अगर प्रस्ताव नहीं भेज रही है तो मैं उसके लिए उस प्रश्न कार्रवाई करने के लिए सक्षम हूँ। इसलिए लगातार हमने जैसे नोटिस दिया है नहीं कर रहा है तो 15 दिन के अंदर हम कार्रवाई निर्धारित करेंगे, क्योंकि पहले तो प्रबंध संचालक को काम प्राथमिक लेकर विधि प्रश्न हो जाता था तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, अब मेरे सामने वो थोड़ी समस्या आती है, 15 दिन कार्रवाई कर रही है, लेकिन मैं आपके साथ रहूँ। पहला बिंदु ये हो गया, दूसरा MPS के स्थान शिक्षकों को काम खातर कटौती समय से प्रबंधित की जाए, आपको ये मालूम है कि हमारे हिसाब पर कमी है, हम तभी आपको कहते हैं आपका कोई शिक्षक जो MPS में बारे में अच्छा जानकार रखता हो या आपके अकाउंट के बारे में जानकारी रखता हो, मैं 100% आपके साथ, हमारे शिक्षक अध्यक्ष जो है वो निष्ठावान है, कर्तव्य प्राण है, इससे पहले था कॉन्ट्रैक्ट था, सही काम नहीं करता था, उसको हटा भी दिया गया, अभी भी आपका एजेंट का जो हमारा जो आपका बिल निकालने का काम बहुत बड़ा काम होता है, तो उसका पाता पत्र की तरह ये मात्रा हमारे प्रावधान है कि अगर कोई ज़्यादा प्रवक्ता भी कहीं जा रहा है उस पर जा रहा है, उसका नियुक्ति आप दलित प्रबंधक है तो उसको अपना पाता पत्र की तरह डालना चाहिए। अब उसके बाद में जब प्रिंट आउट निकल गया, सब कुछ आ गया है, अब वो लिख के दे रहा है तो वो गलत है, निमानता नहीं है। श्याम नारायण सिंह, जिला मंत्री गोरखपुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशी नेतृत्व के आह्वान पर यह धरना 18 सूत्री मांग के क्रम में था, और ज्वलंत मुद्दा जो 2 अगस्त 2021 की राजाज्ञा इस सरकार ने जारी किया, जिसके विरुद्ध में माध्यमिक शिक्षक संघ के माननीय विधायक द्वय ने जो सदन में आवाज़ उठाया कि इस राजाज्ञा को आप वापस लें, क्योंकि यह नियमावली की शिक्षा संहिता की धारा 86 और 87 के विरुद्ध है, नहीं तो शिक्षक समाज उस शासनादेश को स्वयं तोड़ देगा और नियमावली को
मानते हुए अपना जो समय निर्धारण किया गया है 5 घंटा 30 मिनट का, उसी पर वह पालन करेगा। मेरा नाम है डॉक्टर दिग्विजयनाथ पांडे, जिला अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ गोरखपुर। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्रदेशीय नेतृत्व माननीय हेम सिंह कुंडे के निर्देशन में 18 सूत्री मांग पत्र को लेकर के आज का धरना दिया गया था। इस 18 सूत्री मांग पत्र का जो पहला बिंदु था वो समस्त शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से आच्छादित कराया जाए, क्योंकि एक दिन का कार्य करने के बाद जो जनप्रतिनिधि सदनों में बैठते हैं वो अपने लिए पेंशन योजना मेजों को थपथपा कर लेते हैं, और जो शिक्षक कर्मचारी 62 साल तक काम करता है उनको इस पुरानी पेंशन से वंचित करके एक छलावा पेंशन योजना NPS नामक लागू किए हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं, और मैं ये भी मांग करता हूँ कि या तो मुझे पुरानी पेंशन से आच्छादित कराया जाए, या जो माननीय सदनों में बैठते हैं वो भी NPS ले लें, हमको पुरानी पेंशन दे दें। अगर पुरानी पेंशन योजना ख़राब है तो मुझे दे दें, और NPS अच्छा है तो अपने ले लें।